बात नोटबंदी के समय की है। राजकुमार बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 48,000 रुपए जमा करवाने गया था। बैंक कर्मचारी ने गलती से 48,000 की जगह 4,80,00,000 रुपए खाते में जमा कर दिए। हालांकि बैंक ने अपनी गलती को मानते हुए तत्काल रुपए विड्रॉ भी कर लिए। सब ठीक चल रहा था कि 14 महीने बाद आयकर विभाग ने राजकुमार को इस मामले में नोटिस भेज दिया और पेश होने को कहा। जब राजकुमार वहां गया तो सारी सच्चाई बताई तो आयकर अधिकारी भी हैरान रह गए। राजकुमार ने अधिकारियों को बताया कि वह उद्योग भवन के पास चाय की दुकान में काम करता है और उसको 6,000 रुपए सैलरी मिलती है। वो 18 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा में 48,000 रुपए जमा करवाने गया था, लेकिन तकनीकी त्रुटि और क्लियरिंग की गलती की वजह से उसके खाते में 4.80 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। हालांकि बैंक ने गलत एंट्री होने का हवाला देकर रुपए वापस भी निकाल लिए। राजकुमार ने कहा कि वो गरीब है और चाय की दुकान पर काम करके घर का गुजारा चलाता है। इतनी बड़ी रकम उसकी नहीं है, लेकिन आयकर विभाग उसे रिटर्न भरने के लिए कह रहा है, लेकिन 6,000 में वो रिटर्न कैसे भरे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।